Hello friends, welcome to the desk Deva English Spoken Classes. Please do watch this channel. By watching this channel, you can surely learn English. Thank you. Friends, ये है पिछली क्लासेज में दिए गए सेंटेंसेज के आंसर. आप अपने बनाए हुए आंसर से इसको टैली कर लेना, ठीक है फ्रेंड. ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है. ईश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है. Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken Class. Hello friends, how are you? Well, I am also well. Friends, today I am going to teach you about the degree. Okay friends, so let's start the class of the day. Friends, do you know about the comparison? कंपेरिजन मीन्स किसी से किसी का तुलना करना. इसका मतलब होता है कंपेरिजन, उसको ही हम बोलते हैं डिग्री. तो आप कन्फ्यूज मत होना कि डिग्री क्या और कंपेरिजन क्या. तो डिग्री को ही कंपेरिजन बोलते हैं और कंपेरिजन को ही डिग्री बोलते हैं. डिग्री में हम तीन डिग्रियाँ सीखेंगे. तो क्या क्या वो डिग्रियाँ हैं, आइए चलिए सीखते हैं. लेट्स कम. डिग्री मीन्स कंपेरिजन. सबसे पहले पहला जो डिग्री होता है पॉजिटिव होता है. जो दूसरा डिग्री होता है वो कंपैरेटिव होता है. और तीसरा जो डिग्री होता है वो सुपरलेटिव होता है. ठीक है फ्रेंड, ये तीन डिग्रियां हैं और तीनों क्या है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. ये तीन डिग्रियाँ हैं. तीनों डिग्री को मैं एक एक करके अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा कि तीनों में सेंटेंस किस तरह से बनते हैं. ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव को लेंगे. ठीक है, तो ये तीन डिग्रियाँ आप लिख लेना, मैं इसे अभी मिटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ. ठीक है फ्रेंड, सबसे पहला जो डिग्री है पॉजिटिव. पॉजिटिव में क्या होता है, किसी से किसी का हम तुलना करते हैं लेकिन सेम चीज़ बताया जाता है. मीन्स ना ज़्यादा ना कम. जैसे राम उतना ही तेज है जितना श्याम, सीता उतनी सुंदर है जितनी कि राधा. तो ये सेम थिंग्स हुआ. मीन्स पॉजिटिव में हम किसी को ज़्यादा या कम नहीं बताते हैं, उसमें दोनों सेम होते हैं, उतना ही जितना ही. मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में यही आएगा कि मैं तुम्हारे जितना ही लंबा हूँ, यानी कि मैं उतना ही लंबा हूँ जितना तुम लंबे हो. ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह के सेंटेंस आएंगे. जैसे राम उतना ही लंबा है जितना श्याम. ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम बनाएंगे कैसे, राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब. इसमें इज हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज आ रहे में ये. तो राम इज एज टॉल एज श्याम. फ्रेंड्स, दिस इज द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इसमें आता है, हम एडजेक्टिव से पहले एज लगाएंगे और एडजेक्टिव के जस्ट बाद यानी ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले एज लगाएंगे. दो दो बार यहाँ पर एज लगाएंगे. ठीक है फ्रेंड, मतलब आप एडजेक्टिव के बारे में पता होगा आपको, आपने सुना होगा कभी. एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण. जो भी किसी चीज़ की विशेषता बताती है, जो भी किसी भी वस्तु की विशेषता बताती है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. मीन्स वर्ड्स हु सेज अस क्वालिटीज ऑफ एनी थिंग्स इज कॉल्ड एडजेक्टिव. ठीक है फ्रेंड, तो एडजेक्टिव में क्या होता है, लंबा, छोटा, नाटा, गोरा, काला, तेज, भोंदू, गरीब, अमीर, ये सब क्वालिटी है. तो जो वर्ड्स क्वालिटी बताती है किसी भी चीज़ की वो एडजेक्टिव कहलाता है. ठीक है फ्रेंड, तो राम इज एज टॉल एज श्याम. अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव कि राम उतना लंबा नहीं है जितना श्याम, तो नेगेटिव हम बनाते हैं इसका, तो राम इज नॉट एज टॉल एज श्याम. अब नेगेटिव हम यहाँ पर सो भी लगा सकते हैं.
राम इज नॉट सो टॉल एज श्याम. ठीक है फ्रेंड. अब इसी में पॉजिटिव डिग्री में ही कई तरह के सेंटेंसेज आते हैं जो हम बनाते हैं, तो हम एक एक करके सारे सेंटेंसेज को आपके सामने रखेंगे और बनाकर दिखाएंगे. ठीक है फ्रेंड, आप अच्छी तरह से इसको देखना और समझना. तो देखिए, राधा ठीक अपनी माँ के जैसी है. राधा ठीक अपनी माँ के जैसी है. तो राधा इज जस्ट लाइक हर मदर. ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर एज करके नहीं आएगा, यहाँ पर सेंटेंस चेंज हो गया ना. राधा ठीक अपनी माँ के जैसी है. इस तरह के कोई भी सेंटेंस आएगा, जैसे तुम ठीक अपने पिताजी के जैसे हो, तुम ठीक अपने पिताजी के जैसे हो, तो यू आर जस्ट लाइक योर फादर. ठीक है फ्रेंड, तो राधा इज जस्ट लाइक हर मदर. इसी तरह से कुछ भी बोल सकते हैं कि तुम ठीक बंदर की तरह हो, यू आर जस्ट लाइक अ मंकी. वो ठीक शेर के जैसा है, ही इज जस्ट लाइक अ लायन. ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह का सेंटेंसेज आएगा तो उसमें जस्ट लाइक लिख कर बनाएंगे, उसमें एज नहीं लगाएंगे. ठीक है फ्रेंड, अभी हम दूसरी तरह के सेंटेंसेज देखते हैं पॉजिटिव में ही. ये आप लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ इसको. ये मैं एक एक करके आपको डिग्रियाँ बता रहा हूँ, एक एक करके, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए. एक ही दिन में तीनों डिग्री मैं बता दूंगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, इधर का उधर, उधर का इधर हो जाएगा, कन्फ्यूज़ होते हैं. इसलिए मैं अपने क्लास में भी एक एक करके डिग्रियाँ बताता हूँ ताकि अच्छी तरह से उनको समझ में आ जाए. ये पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, किस तरह के सेंटेंसेज होते हैं, वो आप अच्छी तरह से देख लो एक बार और समझ लो. ठीक है फ्रेंड, तो मैं दूसरी तरह के सेंटेंस लिखता हूँ. यह वही बाइक है जो राम की है. मीन्स इसको हम दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं कि यह ठीक राम के जैसी बाइक है, या यह वही बाइक है जो राम की है. इसका कहने का मतलब ये नहीं कि जो राम के पास है वही वाली बाइक इसके पास है, राम वाली बाइक इसके पास नहीं है. मतलब राम के पास भी ऐसी ही बाइक है, तो ये वही बाइक है जो राम की है. मतलब जो भी बाइक हो वो राम के पास भी वही सेम बाइक है, उसी तरह की बाइक है. मतलब इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये ठीक राम के जैसी बाइक है, ये बाइक ठीक राम के जैसी है. तो इसको हम कैसे बनाएंगे, दिस इज द सेम बाइक एज राम्स. मैंने आपको एक बार पढ़ाया था ना पोसेसिव में एपोस्ट्रोफ एस, तो यहाँ पे राम की है इसलिए राम्स हो जाएगा यहाँ पर. इतना ध्यान रखना फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बनाते हैं इस तरह के सेंटेंस तो लास्ट में एपोस्ट्रोफ एस नहीं डालते हैं, ये गलती है ग्रामर्स की, लेकिन वहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस ज़रूर लगेगा. ठीक है फ्रेंड, तो राम्स जैसे वही कार है जो मेरे पिताजी की है, तो दैट इज द सेम कार एज माय फादर्स. ठीक है फ्रेंड, तो ज़्यादातर मतलब पॉजिटिव में एक ही तरह के सेंटेंस लोगों को पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि राम ठीक, राम उतना ही लंबा है जितना श्याम, राधा उतनी ही सुंदर है जितनी सीमा. इस तरह के सेंटेंस ज़्यादातर पॉजिटिव में बताया जाता है, बट ये सब सारे सेंटेंस भी पॉजिटिव के ही हैं, और आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना. और इसका इस्तेमाल भी होता है फ्रेंड, काफ़ी इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो ये था सब पॉजिटिव के सेंटेंसेज. पॉजिटिव वेरी इजी, बहुत ही इजी है. पॉजिटिव में मतलब हम किसी का भी कंपैरिजन करते हैं, कंपेयरिंग किसी से भी करते हैं, तो वो सेम बताया जाता है. सेम मींस समान, एक समान बताया जाता है, इक्वली. जैसे तुम उतने ही धनी हो जितना मैं, तुम उतने ही अमीर हो जितना मैं, मेरे पिताजी
उतने ही गरीब हैं जितने तुम्हारे पिताजी. माय फादर इज एज पुअर एज योर फादर. ठीक है फ्रेंड, अभी हम कुछ और भी तरह के सेंटेंसेस हम बनाकर देखते हैं, इसको आप लिख लेना. इस तरह के सेंटेंसेस में ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. मैं उतना ही तेज दौड़ सकता हूँ जितना तुम. इसमें क्या हो गया, कैन वाला सेंटेंस हो गया, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर. मैं उतना ही तेज दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, इतना पहले लिखेंगे हम, आई कैन रन एज फास्ट एज यू. ठीक है फ्रेंड, इस तरह के सेंटेंसेस में इस तरह से बनाएंगे हम. मैं अपने क्लास में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस तरह के सेंटेंसेस देता हूँ तो कंफ्यूज हो जाते हैं, और कैसे कहाँ कैन रखेंगे, कहाँ रन लिखेंगे, कहाँ एज लिखेंगे, ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना, और इस तरह के सेंटेंसेस एज जो है जस्ट एडजेक्टिव से पहले लगेगा और यहाँ ऑब्जेक्ट से पहले लगेगा, सिंपल. और आपने समझ ही लिया होगा कि एडजेक्टिव किसको बोलते हैं. एडजेक्टिव मतलब विशेषण, फिर से एक बार बता रहा हूँ, जैसे गुड, बैड, रिच, पुअर, टॉल, शॉर्ट, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, क्वालिटी जो बताती है, वो सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं. ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद. फ्रेंड्स, ये रहा आज के लिए आपका होमवर्क, आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझ कर बना लेना. ठीक है फ्रेंड, ओके बाय.